क्या आपके बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या आपके आसपास ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां शिक्षक 12 बजे के बाद भी नहीं आ पाते? छुट्टी नहीं क्या भाई ला मास्टर है या नहीं छुट्टी होगी कहीं जा रही ना क्या आपने कुछ ऐसे शिक्षकों के बारे में सुना है जिनके पास शिकायत करने पर वो आपके ऊपर मानहानि का केस करने का दावा करते हैं? मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, अगर आप रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो मेरे पास भी कोर्ट है, मैं मानहानि का। ठीक है, करिए। आपके जैसे 10 लोग मेरे पास मुकदमा किए हुए हैं, ठीक है, और आपके और सुनिए, आप मानहानि करिए चाहे जो भी कुछ करिए, आपकी उस पूरी रिकॉर्डिंग को जो शुरू से लेकर लास्ट तक है मैं पूरी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। क्या आपने ऐसे स्कूलों के बारे में सुना है जहां बच्चे आते हैं, शिक्षक का इंतजार करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं? आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बच्चे रोज स्कूल में आते हैं, रोज उस शिक्षक का इंतजार करते हैं, शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे पत्रकार जब शिक्षक से सवाल करते हैं तो शिक्षक गुस्सा हो जाते हैं और हमारे पत्रकार के ऊपर ही मानहानि का केस करने की लगातार धमकी दे। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, अगर आप रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो मेरे पास भी कोर्ट है, मैं मानहानि का। ठीक है, करिए। आपके जैसे 10 लोग मेरे पास मुकदमा किए हुए हैं, ठीक है, और आपके और सुनिए, आप मानहानि करिए चाहे जो भी कुछ करिए, आपकी उस पूरी रिकॉर्डिंग को जो शुरू से लेकर लास्ट तक है मैं पूरी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। हमारे पत्रकार की जो बातें उस शिक्षक के साथ हुई है हम उन बातों को भी आपको सुना रहे हैं। सुनिए कि कैसे वो शिक्षक खुलेआम हमारे पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। यह तस्वीर एक कुशीनगर जिले में स्थित भटई बुजुर्ग के उच्च प्राथमिक विद्यालय की है। सरकार के हिसाब से तो इस वक्त जब दिन के 12 बज रहे हैं तो इस विद्यालय में शिक्षकों का होना अनिवार्य है, मगर जब आप इस स्कूल के अंदर आते हैं तो 12 बजे से पहले ही शिक्षक गायब हैं। शिक्षकों का कुछ अता पता नहीं है। छात्र रोज विद्यालय में आते हैं और इस तरीके से ही निराश होकर घर वापस लौट जाते हैं। शिक्षक से बात करने पर वो कहते हैं कि उनके पास दो स्कूलों का चार्ज एक साथ है, तो इस तरीके से वो कैसे दो स्कूलों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे और एक साथ इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी उस एक अकेले शिक्षक पर कैसे दी जा सकती है। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने शिक्षक से बात करने की कोशिश की और उनके पक्ष को भी जानने की कोशिश की कि उनका क्या पक्ष है, वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। सुनिए कि शिक्षक ने क्या कुछ कहा। हेलो, मैं कुशीनगर समाचार से संदीप बात कर रहा हूँ। मैं कुशीनगर समाचार से संदीप बात कर रहा हूँ जी। मैं प्राथमिक विद्यालय घूर छपरा में आया हुआ हूँ। प्राथमिक वो घूर छपरा वाले विद्यालय का है जो आपके चार्ज में है जी। जी, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कोई टीचर नहीं है। सफाई कर्मी होगा वहाँ सभी, तो सफाई कर्मी पढ़ाएगा बच्चों को? नहीं तो चार्ज में 12 बजे तक मैं आ रहा हूँ, रुकिए 5 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको चार्ज। जाइएगा मत आप, मैं धनोजी खास पर हूँ, धनोजी खास मेरा स्कूल है। नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं तो मैं आ रहा हूँ ना, 5 मिनट में आ रहा हूँ। आपने क्या कहा, आप आकर ऑर्डर देखिए ना, मेरे पास दूसरे विद्यालय में 250 बच्चे हैं, मुझे 12 बजे से उन्हें भी गणित विज्ञान पढ़ाना रहता है। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपको सुनने की आदत डालनी होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए आप। क्या सुने आपने, क्या सुना है अब तक, आप क्या कहें, आप आइए। मैंने क्या कहा बताइए। तो आपको कॉल कर रहा हूँ, मैंने आपको कब कहा है बीएससी साहब को फोन करने के लिए? उन लोगों को नहीं, शुरुआत मैंने आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले सवाल मेरा क्या था आपसे? मैंने क्या कहा कि वहाँ सफाई करनी बैठा होगा मुझे, मैंने फिर आप मेरे सवाल को आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं तो पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, तो मैं अपनी बात कहता हूँ, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जब ये खाली था तो मुझे आदेश मिला SBI साहब का कि उसको खोलना है और दूसरे स्कूल का कोई नुकसान न हो, वहाँ भी आपको बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि वहाँ संख्या 250 है जी। तो मैं 12 बजे तक यहाँ पढ़ाता हूँ और 12 बजे के बाद धनोजी खास चला जाता हूँ पढ़ाने के लिए। धनोजी खास देख रहे होंगे, गड्ढे में विद्यालय है जी। अभी मैं जाकर सिर्फ बैठ के वहाँ जाके जस्ट गया था और वहाँ जाके काम शुरू ही किया था जी। जी
तो ये बात तो एसबीआई उन्हें एसबीआई साहब पर बीएसए साहब के पोर्टल पर भी होगी कि वहाँ एक बात है, ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं जी जी, वहाँ कोई इसकी नोटिस बोर्ड आपने लगा रखी है? नोटिस बोर्ड कहाँ लगाएंगे? हाँ या नहीं बताइएगा मुझे, ऐसा कुछ लिख रखा है आपने? आप बताइए, हर एक विद्यालय पर नोटिस बोर्ड लगा होगा? इमरान जी मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आदत डाल लीजिए, आपकी बात मैं सुन रहा था, अब मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिएगा। आपने जो सारी बातें मुझे सुनाई है इसका कोई नोटिस बोर्ड आपने रखा हुआ है? नोटिस बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? नहीं लगाया ना। तो कोई भी अगर वहाँ पे गेस्ट आता है, कोई भी गेस्ट आएगा तो वो क्या किससे सवाल करेगा? आप आए हैं तो कितने? आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना पहले, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, बातों को घुमाइए मत। कोई भी गेस्ट आएगा, हाँ तो कोई गेस्ट आएगा तो किससे पूछेगा? मैं कोई बात नहीं घुमा रहा हूँ, मैंने सीधी लाइन में कहा। कोई गेस्ट आएगा तो किससे पूछेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। स्कूल में कौन गेस्ट आएगा? मैं मीडिया से हूँ, मैं आया हूँ तो मैं किससे वहाँ से पूछूंगा? सफाई कर्मी से पूछूंगा। तो सफाई कर्मी से पूछते कहाँ? वहाँ जिम्मेदारी आपकी है ना, तो मैं आपको ही फोन करूंगा ना। अच्छा, मेरी तो आप मुझे डायरेक्ट धमकी देंगे कि मैं आपसे क्या यार मेरे मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुन, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और फिर बताइए मैंने आपको धमकी कहाँ दिया है। आपसे ये कह रहा हूँ कि रुकिए, मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग को न्यूज में चलवा देता हूँ और खुद से बता दीजिएगा कि धमकी किसने दिया है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी किसकी है और आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। समझने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं, 3 मिनट मुझको लगा, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे पास लेटर है तो दूसरी जगह मेरा वो कंसर्न नहीं है। मेरा जो कंसर्न है, फिर से सुन लीजिए आप, मेरा जो कंसर्न वो सुन रहे हैं आप, मैं पूछ रहा हूँ, आपने वहाँ नोटिस बोर्ड पर लिख रखा है? यहाँ कहाँ नोटिस बोर्ड लगाएंगे? जब नहीं नोटिस बोर्ड लगा है तो कोई भी आएगा वहाँ पे इस समय स्कूल में, कोई भी आएगा किससे पूछेगा? तो आप मुझसे पूछते इंतजार करते हैं। मैंने आपको फोन किया, किस लिए फोन किया आपको? इसे ये पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? मैंने आपको गाली दिया है? मैंने आपसे क्या कहा, 5 मिनट रुके, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, मेरे पास क्या ऑर्डर है। मैं लेटर स्कूल में भी 250 बच्चे देखने हैं ना मुझको, वहाँ भी तो बच्चों का नुकसान है। मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए सुनने की, ठीक है? और आप जो कह रहे हैं धमकी देने वाली बात ना, मैं जो 1 मिनट 52 सेकंड की रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं उस न्यूज में ही चलाऊंगा और खुद लोग सुनेंगे कि किसने धमकी दी है और किसने क्या जवाब दिया है। आप न्यूज में चलाइए, कहाँ चलाइए, ठीक है? मतलब अब आप देखिएगा, आप खुद ही देखिएगा, आपने मंगलवार की खबर देखी थी ना, इसको भी आप देखेंगे। आप उसी पे जवाब दीजिएगा। अब आपने धमकी दिया हूँ, हमारे हर कॉल रिकॉर्डेड होती है सर। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, अगर आप रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो मेरे पास भी कोर्ट है, मैं मान हानि, ठीक है? करिए, आपके जैसे 10 लोग मेरे पास मुकदमा किए हुए हैं, ठीक है? और आपके और सुनिए, आप मानहानि करिए चाहे जो भी कुछ करिए, आपकी उस पूरी रिकॉर्डिंग को जो शुरू से लेकर लास्ट तक है।